we all face lots of problems when we speak in English. And I know lots of people during their conversation, they stuck on some words when during their conversation. So I have 5 tips for you with whom I also improved my English speaking skills. So hi everyone, I'm Devika and welcome to my channel. So now I want to speak in Hindi because Hindi is our national language and everybody can easily understand Hindi. So let's start the video. So now I have 5 tips for you. यहाँ मेरे पास आप सबके लिए 5 टिप्स हैं और टिप्स में से पहला नंबर जो टिप्स का है वो मैंने यहाँ पर नोट करके लिख रखे हैं, तो मैं आपको एक एक नंबर से बताती हूँ, एक एक बताती हूँ आपको आराम से. तो पहला जो है वो है नो ग्रामर. आपको सबसे पहले अपने ग्रामर पर फोकस करना है. मतलब सब लोगों का जब हम इंग्लिश सीखते हैं तो सबका सबसे मेन मोटो यही होता है कि हमारी ग्रामर एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए. बट नो, ऐसा कुछ भी नहीं है. अगर आपको अपनी इंग्लिश सुधारनी है तो आपको ये सोचना छोड़ देना होगा कि मेरी ग्रामर कैसी है, मैं ग्रामर में कैसा हूँ, मेरी वर्किंग कैसी है ग्रामर में. आपको कुछ भी नहीं सोचना है ग्रामर से रिलेटेड. बस आप सिर्फ अपने अपने वर्ड्स पे ध्यान दीजिए. आप खुद से ऐसा सेंस करना सीखिए कि आपके वर्ड्स सही हैं कि गलत हैं. लेकिन हाँ, ग्रामर के ऊपर ज्यादा फोकस देने की जरूरत नहीं है. फर्स्ट बात तो यही है मेरी. एंड जो सेकंड टॉपिक है, सेकंड पॉइंट जो है वो है प्रैक्टिसिंग. सो सेकंड पॉइंट जो है वो है प्रैक्टिसिंग. एंड आई हैव लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड मैनी ऑल अदर पीपल्स, सो दे ऑलवेज आस्क मी कि मैम हम लोग इंग्लिश प्रैक्टिस किसके साथ करें, कहाँ करें. सब लोग बोलते हैं प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, तो हम लोग प्रैक्टिस करें कहाँ. तो सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरे को लगता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपको मिरर के सामने खड़ा होना चाहिए या आपको ऐसे किसी से बातें करनी चाहिए, तो मेरे को सबसे अच्छा जो ऑप्शन लगता है वो ऑप्शन ये है कि आप अपना बस इजीली अपना फोन उठाइए, उसमें फ्रंट कैमरा स्टार्ट करके अपना रिकॉर्डिंग कीजिए और खुद का वीडियो रिकॉर्ड कीजिए. अगर आप खुद से रिकॉर्ड करके अपना वीडियो खुद से बातें करते हैं तो वो सबसे इजिएस्ट वे है इंग्लिश कन्वर्सेशन करने का. उसमें आपको ये भी नहीं होता कि यहाँ आपकी कोई गलतियां निकालेगा, यहाँ कोई आपके आपको किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं होता है. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट. तो आप लोगों को यही काम करना है अपनी प्रैक्टिसिंग के लिए. लेकिन प्रैक्टिसिंग जो है वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश का. बिकॉज हम लोग हमेशा ध्यान देते हैं हमारे लिखने पर, पढ़ने पर, सुनने पर, लेकिन हम लोग प्रोड्यूस नहीं करते हैं. जब तक हम लोग उस चीज को प्रोड्यूस नहीं करेंगे, जब तक हम लोग बोलेंगे नहीं, तब तक हम लोग उस चीज में कभी भी एक्सपर्ट नहीं हो सकते हैं. जब तक हम लोग उसको बोलेंगे नहीं, जब तक हम लोग उसको किसी के साथ बातचीत करेंगे नहीं इंग्लिश में, तब तक हम लोग कभी भी एक्सपर्ट नहीं हो सकते हैं उस चीज में. किसी भी लैंग्वेज में ले लीजिए, वो जरूरी नहीं है कि इंग्लिश ही हो, हिंदी भी हो सकता है, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, फ्रेंच, स्पेनिश, जो भी लैंग्वेजेस होती हैं. सबसे इम्पोर्टेंट जो काम होता है वो होता है यही वाला कि हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हम लोग कितना बोल रहे हैं. जितना ज्यादा हम लोग बोलेंगे उतना ही ज्यादा इम्प्रूवमेंट हमारे इंग्लिश में ऑटोमेटिक आता जाएगा. तो सेकंड पॉइंट मेरा यही है कि प्रैक्टिसेस, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. तो प्रैक्टिस सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है. तो यहां मेरे पास जो तीसरा टॉपिक है वो है लिसनिंग. आपको सुनना चाहिए इंग्लिश में, लोगों की स्पीच सुननी चाहिए, जो अच्छे अच्छे सॉन्ग्स होते हैं इंग्लिश सॉन्ग सुनने चाहिए. यूट्यूब पर अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोस देखिए. ऐसे वीडियोस देखिए जिनमें इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन हो रही हो, इंग्लिश जॉक्स, मूवीज. यू हैव लोड्स ऑफ ऑप्शंस इन यूट्यूब. इवन जब आप लोग कुछ भी देख रहे होते हैं तो वहां पर एक सबटाइटल का ऑप्शन भी आता है. उसमें आपको अगर आप उस सबटाइटल को ऑन कर देते हैं तो वो जो भी बोलता है बंदा वो सामने उसको सब एकदम उसके सबटाइटल इंग्लिश में आने लग जाए. तो आप चाहे तो वो वाली सेटिंग अपने यूट्यूब पर ऑन भी कर सकते हैं, जिससे आप जो भी वीडियो देखेंगे, जो भी चीजें सुनेंगे, वो सब इंग्लिश में आपको लिखी हुई दिखेंगी. और सेकंड, अगर आप इंग्लिश सुनेंगे तो वो मच बेटर होता है. बिकॉज हम देखते हैं जब एक छोटा बच्चा होता है, वो पैदा होता है, वो चाहे ब्रिटेन में हो चाहे इंडिया में, वो वहीं की लैंग्वेज क्यों बोलता है? क्यों? क्योंकि उसका जो एनवायरमेंट होता है, वो एनवायरमेंट स्टार्टिंग से ही ऐसा बना हुआ होता है कि वो बच्चा ऑटोमेटिक वो वाली लैंग्वेज बोलने लग जाता है. तो थर्ड पॉइंट मेरा यही है कि लिसनिंग, लिसनिंग एंड ओनली लिसनिंग. जो फोर्थ पॉइंट है वो है मेक फ्रेंड्स. सो मेक सम फ्रेंड्स,
बिकॉज जब आप किसी से बातें करेंगे बोलेंगे तभी तो आप इम्प्रूव हो पाएंगे, आपको समझ में आएगा आपकी गलतियां कहाँ हैं, आपकी मिस्टेक्स कहाँ हो रही हैं। लेकिन अगर आप बोलेंगे ही नहीं, किसी से बातें करेंगे नहीं, तो आपको पता कैसे चलेगा। तो मेक सम फ्रेंड्स ऑन यूट्यूब, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, दे हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस यू हैव, बट अगर आप इनमें से कोई एक भी चीज नहीं करते हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि सामने वाला बोल क्या रहा है। अगर आप बोला सीख भी गए हैं तो आप सामने वाले की बात समझ नहीं पाएंगे, आप अपने एक्सेंट की बात समझ लेंगे, लेकिन व्हेन एनी नेटिव स्पीकर कॉल्स यू देन आप समझ ही नहीं पाएंगे कि वो बोलना क्या चाह रहा है बंदा। तो मेक सम फ्रेंड्स, कुछ ऐसे दोस्त बनाइए जो लोग इंग्लिश बोलते हों, ऐसे लोगों के आसपास रहिए जो लोग इंग्लिश में बातें करते हों, इंग्लिश माहौल में रहिए, कोशिश कीजिए जितना हो सके उतना। तो यही मेरा है फोर्थ पॉइंट। एंड जो पांचवें नंबर का पॉइंट है वो है रीडिंग। तो रीडिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन दिस। तो अगर आप लोग रीडिंग करते हैं, पढ़ने के शौकीन हैं, तो कुछ इंग्लिश नॉवेल्स ले आइए, कुछ मैगजीन्स ले आइए। तो ये आपको बहुत हेल्प करती हैं। एक तो आपके वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन को तो नहीं सुधार पाती है चीजें, लेकिन जो वर्ड्स होते हैं वर्ड्स को ये आपको पता चलता है कि कौन सा वर्ड कहाँ यूज हो रहा है, सब चीजें आपको समझ में आती है जब आप उसको एक्यूरेट पढ़ते हो। तो पढ़ना भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारा पढ़ना ही होता है, क्योंकि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमारी आंखें उस चीज को देख रही होती हैं, उस चीज को समझ रही होती है कि कौन सा वर्ड कहाँ आ रहा है, क्या चीजें कैसे यूज हो रही हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है रीडिंग। तो आपको रीडिंग रीडिंग करना ही चाहिए जरूर। इंग्लिश न्यूज पेपर पढ़ लीजिए, चाहे मैगजीन्स पढ़ लीजिए। अगर आपको ये सब चीजें नहीं पसंद है तो जॉक्स पढ़ लीजिए, इंग्लिश में बहुत सारे जॉक्स भी आते हैं। सॉन्ग पढ़ लीजिए, कुछ भी। अरे पढ़ने को बहुत सारा स्टफ होता है यार, नेट पर आप कुछ भी उठा कर देखेंगे बहुत सारी चीजें आपको ऐसे मिल जाएंगी जो पढ़ने के लिए होती हैं सिर्फ इंग्लिश इंग्लिश में। तो यही मेरी आज की पांच टिप्स थी आप सबके लिए। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।